हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द करियर एकेडमी। दोस्तों, इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए खुशखबरी है। यहाँ दो बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। पहली खबर, बिहार में सहायक अभियंताओं की नई भर्ती हो रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन सर्विस डिपार्टमेंट की एक परीक्षा हुई थी, जिसमें केवल 40.59% छात्रों ने परीक्षा दिया है। तो दोनों खबरों को इस वीडियो में कवर करेंगे और आप वीडियो पूरा देखिए, जिससे पूरी अपडेट आपको मिल सके। उदय करियर एकेडमी एक टेक्निकल चैनल है, जहाँ पर ITI, डिप्लोमा और BTEC की सभी भर्तियों को कवर किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 40.59% अभ्यर्थियों ने दी प्रावधिक शिक्षा सेवा परीक्षा। 20 पदों पर भर्ती के लिए प्रयागराज और लखनऊ में 12 केंद्र बनाए गए थे और इसमें उपस्थिति जो है 40.59% ही रही है। बाकी लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। प्रावधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटो इंजीनियरिंग में प्रवक्ता के 19 पदों और पुस्तकालय अध्यक्ष के एक पद पर परीक्षा भर्ती होनी थी। इन पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था। रिक्त पदों के सापेक्ष 5302 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के 2723, डेयरी इंजीनियरिंग के 177, ऑटो इंजीनियरिंग के लिए 242 और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 2160 आवेदन आए थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो केवल 49% लोगों ने ही परीक्षा दी है, बाकी लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। बिहार सरकार में नई भर्ती हो रही है और करीब 10,000 पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिस पे भर्ती होने वाली है। पंचायत सचिव के 3532 पद हैं, राजस्व कर्मचारी के 3500 पद हैं और सहायक प्राध्यापक विशेष चिकित्सा के 1318 पद हैं। विशेष चिकित्सक के 6 पद हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 63 पद हैं और सहायक अभियंता के 51 पद हैं। कृषि अभियंता के 18 पद हैं और इसी तरह से पौधा संरक्षण के 8, सहायक निर्देशक के सहयोग समितियों के 7 पद हैं। BPSC 69वीं प्रतियोगिता परीक्षा के 329 पद हैं। तो इन पदों पे जो है नई भर्ती होने जा रही है। और जहाँ तक बात करते हैं जल संसाधन विभाग में, तो सहायक अभियंताओं के 51 पद हैं। जल संसाधन विभाग में सहायक अभियंताओं के 51 पद हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी आती है उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के छात्र अप्लाई करते हैं। कृषि विभाग में सहायक निदेशक कृषि अभियंता के 18 पद हैं। तो ये कृषि अभियंता के जो 18 पद हैं, इस पर भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जो छात्र होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से 18 और 51, इन दो तरह के पदों पर इंजीनियरिंग के छात्र एग्ज़ाम दे सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, स्थायी बहाली हो रही है, तो यहाँ पे जो है फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रांचेस इसमें अप्लाई करती हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।